हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कल मैंने एक केक बनाया था जो बिल्कुल एक डिजास्टर था। केक बहुत सॉफ्ट था, खाने में भी बहुत अच्छा था और बिल्कुल टोटली पका हुआ था, लेकिन मसला ये था कि ये क्रैक था ऊपर वाली साइड से, और ये जो आपके सामने नज़र आ रही है इसकी बैक साइड है, नीचे वाली साइड केक जो है उसके अंदर सुराख भी थे। और मुझे आप लोगों ने बताया कि उसमें ये गलती थी कि मैंने इसको जब मैंने इसको पैन में शिफ्ट किया तो मैंने इसको टैप नहीं किया और जो एयर बबल्स थे वो अंदर रह गए। तो मैंने इस केक को आइसिंग किया, मैंने इसके ऊपर बटर क्रीम लगाई। बटर क्रीम की भी रेसिपी मैंने लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों से शेयर की थी। बटर क्रीम तो परफेक्ट थी लेकिन केक कुछ ठीक नहीं था। लेकिन मैंने इसी डिजास्टर वाले केक को कैसे एक बेस्ट केक में चेंज किया मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। जी तो जो कल मेरा केक खराब हुआ था उसकी एक्चुअल हालत ये है। ये आज के दिन में मैंने केक को सारा सेट किया था क्योंकि केक खाने में बिल्कुल ठीक था। ऊपर से जो वो क्रैक हुआ था वो वाला पोर्शन मैंने सारा उतार दिया था। उतार के मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स, M&M's और वेफ़र्स वगैरह ऐड किए थे। वेफ़र्स को मैंने बिल्कुल साइड्स पे लगा दिया था अच्छी तरह, ताकि जहाँ से ये क्रैक है और जहाँ पे इसके होल्स हैं वो नज़र ना आए। सेकेंडली मैंने इसके ऊपर नुटेला का एक पूरा पैक रखा था, नुटेला की बॉटल रखी थी। उसके बाद कुछ चॉकलेट्स जो हैं वो मैंने साइड्स पे रख दी थी। उसके बाद मैंने वाइट चॉकलेट और ओरियो बिस्किट्स जो हैं वो थोड़े से लगा दिए थे। तो ये फाइनल लुक थी मेरे केक की, जो मैं बिल्कुल टोटली डिसहार्ट हो गई हुई थी कि केक नहीं बनेगा मुझसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंक टू अल्लाह ताला कि मेरा केक जो है वो इतना अच्छा बन गया था। सेकेंडली आज मैंने ट्राई किए थे ये वनीला कपकेक्स, जिसके ऊपर मैंने जो है वो ग्रीन कलर की आइसिंग बटर के साथ की थी। और कपकेक्स बहुत अच्छे बने थे, रेसिपी बहुत ईजी थी। इसमें मैंने 3/4 कप शुगर लिया था जो मैंने ब्लेंड कर ली थी, 1/4 कप फ्लावर लिया था वाइट फ्लावर, 1/2 कप मिल्क लिया था रूम टेम्परेचर, 2 एग्स रूम टेम्परेचर, बटर जो सॉफ्ट बटर था 1/2 कप, और 2 टीस्पून वनीला, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। इसमें बेकिंग सोडा नहीं डलेगा। अब मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया था। मैंने फ्लावर के अंदर ही सॉल्ट ऐड किया था और बेकिंग पाउडर ऐड किया था और उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैंने जो हमारा सॉफ्ट बटर था उसको एक बाउल में ऐड किया और मैंने इसके अंदर जो शुगर थी, जो हमारी ब्लेंडेड शुगर थी पाउडर शुगर, वो ऐड की और मैं इनको अच्छी तरह से मीडियम पे इनको बीट करूँगी जब तक ये बहुत ज़्यादा फ्लफी सा एक मिक्सर ना बन जाए। शुगर जब अच्छी तरह से बटर के साथ मिक्स हो जाए तो हम इसके अंदर अपने 2 एग्स ऐड करेंगे जो रूम टेम्परेचर पे है। एग्स ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा अच्छी तरह से बीट करूँगी। आप लोग जो हैंड बीटर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून अपना वनीला एसेंस ऐड करूँगी और इसको दोबारा से हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर फ्लावर वाला मिक्सर ऐड करूँगी। हम थोड़ा सा फ्लावर ऐड करेंगे और इसमें मिल्क ऐड करेंगे, फिर हम थोड़ा सा फ्लावर ऐड करेंगे और हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। ऐसे करके हम लोग अपना पूरा फ्लावर और पूरा मिल्क इसके अंदर ऐड कर देंगे, साथ साथ इसको बीट होने देंगे। यहाँ पे मिक्सर बहुत अच्छी तरह से बीट हो गया है और बहुत क्रीमी सा मिक्सर हमारा बन गया है। और जब ये क्रीमी सा मिक्सर बन जाए तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मिक्सर है वो बिल्कुल रेडी है।
अब मैंने कपकेक क्लाइनर्स जो है वो ले लिए हैं और अब मैं हर कपकेक में एक आइसक्रीम स्कूप की हेल्प से इनको फिल करूँगी। और मैंने जो मिक्सर बनाया है इससे 12 कपकेक्स इजीली बन जाएंगे। इसी तरह सारे कप लाइनर्स को हम इक्वली मिक्सर के साथ फिल कर लेंगे और इसको हम ट्रे को अच्छी तरह से टैप करेंगे। टैप करने के बाद हमारे कपकेक्स बिल्कुल रेडी हैं। मैं इनको ओवन में डालूंगी 180 डिग्रीज पे। मैं इसको फॉर 30 मिनट्स करूंगी बेक। आफ्टर 30 मिनट्स हमारे कपकेक बिल्कुल रेडी है। हम इसमें टूथपिक या हम कोई भी स्क्रू डाल के देख सकते हैं। अगर ये बिल्कुल साफ निकलता है तो इट्स मीन आपके कपकेक्स बिल्कुल रेडी हैं। और हमारे कपकेक्स यहाँ बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसकी आइसिंग करूँगी। आइसिंग आप लोग देख सकते हैं, ये जस्ट बटर है और आइसिंग शुगर है, वनीला एक्सट्रैक्ट है, दैट्स इट। और मैंने इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड किए हैं और चॉकलेट ऐड किए हैं। और ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही अच्छी रेसिपी है और सिंपल सी रेसिपी है। साथ मैंने ये केक आपके साथ शेयर किया था कि कल मेरा कैसा बना था, लेकिन आज मैंने उसको इतना अच्छा सा बना लिया था। फिर हमने थोड़ी सी छोटी सी सेलिब्रेशंस रखी हुई थी बर्थडे पार्टी की, और ये मेरा केक जो मैंने बनाया था 7 कपकेक्स। फाइनली केक बहुत प्यारा लग रहा था और सबने इतनी तारीफ की थी कि इतना अच्छा केक, मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा था कि ये मैंने बनाया। बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था केक और खाने में भी बहुत मज़े का था। ये मेरा आज का व्लॉग था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।